नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक प्राइवेट कंपनी की जॉब लेके आया हूँ। और आज का जो जॉब है वो फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। ठीक है, फ्लिपकार्ट से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू आते रहते हैं, तो मैं जब जब कोई नया अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर, फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर कोई भी जॉब आए तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो उसी के से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे रखना चाहूंगा इस फ्लिपकार्ट के जॉब के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट और सारे डिटेल्स वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और इस तरीके से जॉब पाने के लिए मैं आपको हमेशा कहूंगा, कंप्यूटर स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसलिए मेरा नया सीरीज कंप्यूटर स्किल का वीडियो जरूर देखिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन डिटेल्स वीडियो मिलेगा कंप्यूटर स्किल का। उसके साथ साथ शॉर्ट सेक्शन का भी वीडियो मिलेगा, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 360 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और कंटिन्यूअसली एक से दो वीडियो आपको मिलता रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अभी देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो फ्लिपकार्ट से आपको ऑनलाइन प्रोसीड्योर के माध्यम से आपको जॉब मिलेगा, और फ्लिपकार्ट से जो जॉब आपको दिया जाएगा, मतलब आपको जो जॉब मिलेगी वो देखा जाए तो ई कॉमर्स सेक्टर के ऊपर, और आपको हेडक्वार्टर बेंगलुरु से जॉब आपको ऑफर किया जा रहा है। तो इस जॉब को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे जॉब मिलेगा आपको ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी जगह पे जॉब मिल सकते हैं। 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, और देखिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे कस्टमर सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स के ऊपर, सिक्योरिटी ऑफिसर, पैकिंग बॉयज, साथ ही साथ वेयर हाउस कीपर, उसके साथ फाइनेंस मैनेजर, और भी देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियरिंग और इंजीनियर। तो अलग अलग पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजिएगा। तो इस जॉब के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जो एज लिमिट है 18 ईयर्स से 45 ईयर्स तक। और इस जॉब के लिए आपको ऑनलाइन जो प्रोसीडियर रहेगा सिलेक्शन होने के लिए, ऑनलाइन आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस तीनों मतलब एग्जामिनेशन के माध्यम से आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना होगा, तभी आपको फाइनली जॉब मिल जाएगा। अभी एक पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस जॉब को पाने के लिए आपको मतलब कोई भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब में आपको पर मंथ 3 लाख से भी ज्यादा पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एक पैकेट में मैं एक चीज लिख कर रखा हूँ, वो है एक्सपेक्टेड। अभी एक्सपेक्टेड क्यों लिखा गया है, देखिए एक्सपेक्टेड का मतलब है आप जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका क्वालिटी कितना है उसको जांच करने के बाद ही आपके साथ डील किया जाएगा कि आपको कितना सैलरी दिया जाए। तो इसलिए मैंने मतलब एक्सपेक्टेड रखा हो। तो इस जॉब के लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि सर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड मतलब कोई हर कोई व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको 10th स्टैंडर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए आप इंजीनियरिंग पोस्ट में, साथ ही साथ डेटा एंट्री के हिसाब से, तो आपको 12 पास होना चाहिए और इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए, और डेटा एनालिसिस के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको देखा जाए तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जॉब के लिए आपको जो मतलब नोटिफिकेशन के लिंक दिया गया है वो मैंने आपको लिंक पहले ही दे चुका हूँ, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर क्लिक करिए। और यहाँ पे क्लिक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई बटन नोटिफिकेशन दिखेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी देखिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन होने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे ढूंढिए और उसके बाद अप्लाई करिए। मान के चलिए मैं कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे बेंगलुरु है। आप कोई भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप स्टेट सिलेक्ट करिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करिए। तो कोई भी एक स्टेट चूज कर आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब ढूंढ भी सकते हैं। तो चलो मैं कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ, सारे पोस्ट सेम ही होगा, मोर जॉब्स में क्लिक कर सकते हैं और भी जॉब आपके सामने ओपन हो जाएगा।
तो मान के चलिए आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है, अप्लाई बटन में जाकर क्लिक करना है। तो जब अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिज्यूम अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना होगा और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी डालना होगा, फोन नंबर वगैरह, और आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जीरो डालिए, और आपका जेंडर क्या है, आपका करंट लोकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका क्वालिफिकेशन, कॉलेज नेम, ईयर पासिंग, करंट आप कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका कंपनी का नाम क्या है, वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किए हो तो। अगर नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिए। इस सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे चेक बटन में टिक करना है, उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। तो सिंपल सा स्टेप है, आप जाकर अभी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उसी लिंक में जाइए और आप एक एक स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करिए। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, उससे पहले आपका एक CV जरूर बना होना चाहिए। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।